संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची उस पर पथराव हो गया, जिसके बाद में हंगामा करने वालों ने आगजनी भी की। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई। हालात शांतिपूर्ण हुए तो दोपहर में एक बार फिर से हंगामे की खबर आई। पथराव में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। बवाल के बाद में इलाके में पुलिस प्रशासन की टीम हाई अलर्ट पर है। आसपास के जिलों में फोर्स भी बुलाई गई है और डीआईजी कमिश्नर ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे से नाराजगी के बाद बवाल काफी बढ़ गया। सर्वे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव के बाद आगजनी भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले दागे और लोगों से वापस लौटने की अपील की। पथराव के बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद में आज सर्वे करने के बाद टीम वापस लौट गई। हालांकि यूपी पुलिस का दावा है कि हालात पर काबू पा लिया गया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जामा मस्जिद को बाबर के समय में हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इसी को लेकर कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए हैं। वहीं सर्वे की टीम को शाही जामा मस्जिद से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला। शांति है और जिन लोगों की ड्रोन के माध्यम से और कैमरे से वीडियोग्राफी करवाई गई थी, उन सब लोगों का अभी चिनांकन किया जाएगा। उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और एक NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। इन लोगों ने पुलिस के ऊपर भारी पथराव किया है, उसका जवाब पुलिस ने दिया है, लेकिन फिर भी समय रहते शांति व्यवस्था काबू कर ली गई। संभल में मस्जिद के सर्वे पर सियासत भी तेज हो गई है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून का पालन किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सलमान ने कहा कि पथराव की घटना की जांच होनी चाहिए और जो है प्रशासन के साथ जो है कोई गलत काम ना करे। जो प्रशासन अपना काम कर रहा है उसको काम करने दे। संभल में मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुए बवाल के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बयान सामने आया है। मौलाना बरेलवी ने जहां लोगों से शांति की अपील की है, वहीं BJP ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ पथराव और आगजनी को गलत बताया है। वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है, तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज ना करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है और सब्र तहमुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना ये निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो ये स्वीकार नहीं हो सकता। संभल की घटना को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है। अखिलेश का कहना है कि संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। जब सर्वे हो गया था फिर आज सर्वे क्यों हुआ? सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके।
संभल में बवाल पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। बवाल के लिए उन्होंने एसपी के कुछ नेताओं को जिम्मेदार बताया। संभल में जो दंगा होने के आसार नजर आ रहे हैं, उनको उनके पीछे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता दंगाइयों के साथ खड़े हैं, वो दंगाइयों को उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से ये मांग करता हूं कि ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। उसके अंदर बिल्कुल क्लियर था, उसको दरकिनार कर कर निचली अदालतें इस प्रकार की सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन होना चाहिए। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संभल की घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि तनाव के चलते बाद में सर्वे कराया जाना चाहिए था। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है, ये अति निंदनीय है। संभल में जामा मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे पूरा हो गया है, सर्वे की वीडियोग्राफी की गई है। एडवोकेट कमिश्नर अब कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल पर डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। संभल में हालात अभी नियंत्रण में है, संभल में बवाल करने वालों पर एनएसए लगेगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।